वेलकम टू माई चैनल इलेक्ट्रिकल शिक्षा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इलेक्ट्रिकल शिक्षा। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम जा रहे हैं वेट मशीन रिपेयर करने के लिए। तो वेट मशीन रिपेयर करने के लिए आप देख सकते हैं कि इसमें हम कोई भी हम डिफ्लेक्शन दे रहे हैं, कोई भी वेट दे रहे हैं, तो इसमें कोई भी असर नहीं हो रहा और कोई भी रीडिंग नहीं आ रही है। तो इसको हम रिपेयर करने के लिए देखते हैं कि हमें इसमें क्या क्या करना पड़ेगा। हम इसको ओपन करते हैं, तो मैंने इसके सारे स्क्रू खोल दिए हैं टाइम को बचाने के लिए, और इसको भी कवर को भी खोल दिया है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा ये लोड सेल है, ये रेजिस्टिव टाइप है। जब भी इसमें क्या होता है, जब भी वेट पड़ता है तो इसे अपना रेजिस्टेंस चेंज होता है, इसके अकॉर्डिंग ये आपको इसमें एक सर्किट में जाती है और इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन होकर आपकी वेट शो करती है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि कुछ लोड सेल पर रस्टिंग आ चुकी है, जैसे इस लोड सेल, ये दो लोड सेल पर रस्टिंग आ चुकी है। तो ये रस्टिंग के चलते प्रॉपर कॉन्टैक्ट नहीं हो पाता है। आप देख सकते हैं कि इसमें भी कॉन्टैक्ट पॉइंट है और इस यहाँ पर कॉन्टैक्ट पॉइंट प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते हमारा वेट मशीन वर्क नहीं कर रहा है। और कभी कभी बैटरी भी ख़त्म हो जाती है, जिसके चलते ये आपको डिस्प्ले शो नहीं करता। तो आप बैटरी चेंज करके एक बार देख सकते हैं। तो हमें भी इसे पहले रस्टिंग क्लियर करते हैं। तो मेरे पास अभी स्टील जूट है, तो मैं स्टील जूट से ही रस्टिंग क्लियर करूँगा। आप देख सकते हैं कि इसकी रेस्टिंग लगभग क्लियर हो चुकी है। तो मैं आपको ये जिसका सर्किट पोर्शन है, इस पर कभी कभी डिस्प्ले नहीं आने का एक रीजन और भी हो सकता है। कुछ भी काम करने से पहले हम बैटरी निकालना हमें ज़रूरी है। कभी भी किसी भी कोई भी सर्किट पर आप काम करेंगे तो बैटरी जरूर निकाल लें। कोई बात नहीं, मैं आपको सिर्फ नीचे दिखाना है कि एलसीडी का, इसमें आपको एलसीडी के बारे में दिखाना था। तो ये देखिए, ये एलसीडी है। आपको देखने में लगे ये बिल्कुल डिस्कनेक्टेड है, लेकिन ये डिस्कनेक्टेड नहीं है। इसमें बहुत कॉन्टैक्ट पॉइंट होते हैं, बहुत पतले पतले आपको कॉन्टैक्ट पॉइंट, इसमें शायद आप देख ना पाए, लेकिन इसमें कॉन्टैक्ट पॉइंट है जो प्रॉपरली इससे कॉन्टैक्ट होते हैं। तो कभी कभी ये बाहर निकल जाती है, तो इसको आपको पेस्ट करना पड़ेगा। अगर आपने इसको प्रॉपरली पेस्ट कर दिया तो उसके बाद ये वर्क करेगा। आप देख सकते हैं कि मैंने इसका सारा कनेक्शन खोल दिया हूँ और इसमें जस्ट ये खुल नहीं पा रहा है। ये नट बहुत ही, इस नट का स्ट्रक्चर ख़राब हो गया है। और ये आप देख सकते हैं कि हमारा सर्किट बोर्ड है, ये जस्ट मैंने आपको दिखाने के लिए मैंने इतना ओपन किया। और इसमें ऐसे जनरली कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है। अगर आप इस टाइप का कॉन्टैक्ट पॉइंट अगर कोई भी छूट गई हो तो उसे आपको सोल्डरिंग करना पड़ेगा। ऐसे इसमें ऐसे नॉर्मली इसमें ऐसी कोई इशू नहीं आएगी। तो हम इसे लगा देते हैं, और इस टाइप में अगर कोई भी तार छूट गई है तो आपको उसको तार को ढूंढ के